तीसरी परीक्षा? ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं। मेरे गुरु परशुराम ने मुझे मानव के त्रिगुण व्यवहार को समझने का ज्ञान दिया है। मानव का व्यक्तित्व राज सत्व और तम गुणों के संतुलन से बनता है। कहते जाओ अंगराज, मैं सुन रहा हूं। रजगुण मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। इसके प्रभाव में मनुष्य अपनी सुविधा के लिए दूसरों को कष्ट देता है। इसलिए मेरी पहली परीक्षा में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे जल जीवों का नाश करना था। परंतु तुम रजगुण के प्रभाव को संतुलित करने में समर्थ रहे। और दूसरा गुण है सत्व गुण, जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। उसमें दया प्रेम जैसे गुणों का संचार करता है, परंतु उस पर नियंत्रण ना रखा जाए तो ये भले बुरे में अंतर करने की मति हर लेता है। मनुष्य को हर ओर अच्छाई दिखती है, वो आभासी शांति को सत्य समझ लेता है और बुराई का अंत नहीं कर पाता। हाँ, परंतु तुमने सत्व गुण को भी नियंत्रण में रखा, आभासी शांति का आवरण भेद दिया। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुमने उस सर्प का वध किया। हाँ, और अब मैं तीसरी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तमोगुण की परीक्षा। उत्तम, परंतु ये किसने कहा कि तमगुण की परीक्षा अभी चल नहीं रही है? तमोगुण अंधकार के भांति हमें भ्रमित कर देता है। ठीक कहा आपने कि तमोगुण की परीक्षा इस यात्रा के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। इस यात्रा के प्रारंभ में ही मेरे सामने एक भ्रम का, एक माया का आवरण बनाया गया। परीक्षा ये थी कि मैं इस आवरण के पार देख पाऊंगा या नहीं। अति सुंदर, तो कुछ देख पाए अंगराज? सबसे पहले इस नाटक के सूत्रधार को देखा, नटवर को देखा, फिर उसे भी देखा जिसकी मुरली की धुन पर पूरी प्रकृति नाच उठती है। मुरलीधर को देखा, फिर उसे देखा जीवन से ज्ञान उस भांति मत लेता है जैसे दूध में से माखन। माखन चोर को देखा, और फिर उसे देखा जिसके ये सब रूप हैं। मैंने वासुदेव को देखा, यहां ना कोई सेना है ना वासुदेव। कहीं वासुदेव ने समर्पण का मन तो नहीं बना लिया? नहीं, यदि समर्पण करना होता तो कर्ण को अपने साथ नहीं ले जाता। कृष्ण यहां तो युद्ध करेगा,
या फिर से कोई छल। यही जानना चाहता था करण कि तीनों गुणों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकने की क्षमता तुम में है या नहीं। मैं संतुष्ट हुआ। इस जीवन में मैंने तुमसे अधिक विलक्षण पुरुष नहीं देखा। सूर्य देवता है, पर मनुष्यों में सूर्य तुम हो कर्ण। धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता। युद्ध की पुकार आ गई है कर, मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना कर, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। रेश रन छोड़ कहां है तू? फिर से रन छोड़ कर भाग गया। देख रहे हो, सबके समक्ष खड़ा हूं मैं, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। भारत।
ही पहुंचा रण छोड़ अपने जीवन के अंतिम रण में। तो कर्ण को छल करके अपने साथ ले गया ताकि युद्ध को टाल सके। राया भी तो निहत्था बिना सेना के, परंतु फिर भी मैं प्रस्तुत हूं। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा कृष्ण। विकास के प्रयास को प्रशंसा मिलती है जरासंध, विनाश के प्रयास को नहीं। कितनी बार हमने युद्ध किया, क्या लाभ हुआ? सहस्त्रों सैनिक अकाल ही काल के ग्रास में समा गए। युद्ध तब श्रेष्ठ है जरासंध जब उसका लक्ष्य एक महान शांति हो, ना कि एक मिथ्य अभिमान की पूर्ति। मैं इस विनाश को रोकने का निमंत्रण देता हूं जरासंध, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं, और इसका प्रमाण है कि मैं निशस्त्र आया हूं। अपने अहंकार की निद्रा त्यागो जरासंध, शांति का सूर्योदय चुनो। अरे जारन छोड़, शांति कारों की ढाल होती है, वीरों का आभूषण युद्ध होता है ग्वाले, युद्ध। अरे चुनौती स्वीकार कर। संसार की, मानवता की ढाल शांति है जरासंध। जिसके पास विनाश की शक्ति हो उसे शांति का विकल्प पहले चुनना चाहिए। वीर वो नहीं जो पल पल में युद्ध को उपस्थित हो जाए, वीर वो होता है जो जब तक संभव हो युद्ध को टाले। तुम्हारे नाम में ही संधि है, तो फिर क्यों युद्ध के कंकड़ से शांति का पात्र तोड़ते हो जरासंध? यदि शांति का पात्र छलका तो विनाश बाहर आएगा। मैं कोई मथुरा का ग्वाला नहीं जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊं। तुम्हारे उद्देश्यों के बाणों का जरासंध के कवच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारी दूसरी भूल है जरासंध, और मेरी अंतिम चेतावनी, शांति का अंतिम प्रयास। सुन रहे हो जरासंध, ये अबोध भी कह रहा है कि शांति रखो। इसके स्वर के बीच के विराम की शांति अनुभव करो जरासंध।
शांति का संदेश लाने वाले परिणाम जानना चाहता है वासुदेव, तो देख। संधि प्रस्ताव लाए, तुमने शांति दूत का वध किया, मैंने शास्त्र से समझाने का प्रयास किया, तुमने शस्त्र उठाया, मैं प्रेम लाया था, तुमने युद्ध की मांग की, तुम्हें युद्ध चाहिए जरा सा, तो लो मैं तुम्हें युद्ध देता हूं। पाप से धती धरा का ही माम पुकार भी ईश द्वारिका